एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम की अध्यक्षता में सोमवार को मुतवल्ली कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। आपको बता दें कि इमाम चौक एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता इमाम चौक पर साफ सफाई, झंडा लगाने तथा मुहर्रम की 9वीं तारीख को फातिहा पढ़ने की अनुमति के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम को निर्देशित कर मुतवलियों के साथ बैठक करवाया। एडीएम सिटी ने उनके समस्याओं को सुना और शासन के निर्देशों के सभी लोगों को अवगत करवाया। एडीएम सिटी ने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम को करने में पूरी तरह से रोक है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मुतवलियों और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, किसी भी चीज़ हमारी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे चाहे पब्लिक पुलिस रिलेशन है, चाहे मीडिया पुलिस रिलेशन, बहुत आइडियल स्टेट और बहुत ही बैलेंस स्टेट में, और वो यहाँ की जनता ही इसके लिए बहुत अच्छे से लगा रहा है। लेकिन सर, ये भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है सर? नहीं, भीड़ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी दिक्कत ये है कि हाईकोर्ट से मॉनिटर हो रही हमारी जनता। इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर आपकी जानकारी जनपदों की मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है, उसमें तो उस मॉनिटरिंग के कई पॉइंट्स पॉइंट के अनुपालन में अब आज आपको लगा होगा सोमवार होने के बावजूद आज पुलिस आते आपको ग्राउंड पर लगी हुई, आज से अब लगातार इसमें कार्रवाई बढ़ा रही है। 188 की कार्रवाई हमारी पूरे राज्य में नंबर एक पर, मास्क में हमारी कार्रवाई सबसे कम, मास्क की कार्रवाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकसिंग किया जाए, सामाजिक दूरी पर फोकसिंग किया जाए और कुछ ऑब्जर्वर्स के माध्यम से हाईकोर्ट में ये दिया भी जाए कि यही बड़ी हमारा कोरोना को रोकने में शासन द्वारा क्या कर्तव्य क्या स्टेप्स लिए जाए, इसके लिए काफ़ी इसमें कार्य चल रहा है, उसको लेकर थोड़े हम ज़्यादा सेंसिटिव भी चल रहे हैं कोरोना को, तो ये वाली चीज़ है, तो उसका भी आपको प्रभाव देखेगा। दूसरा जो आपके बिंदु में एक बार बता दें तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसा एक अभी अभी बिंदु आई थी अभद्रता को लेकर, इस पर पूरी तरह से हमारा आपका इतना अच्छा योगदान रहा है, तो हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। कोई भी दिक्कत हो आप तत्काल मतलब आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे कई चेहरे ऐसे हैं जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ, चाहे जिला जी हैं, चाहे मनोहर जी हैं, चाहे वकील साहब हैं, अब सब से हमारी पहली मुलाकात हो चुकी है। ये नहीं कि हम आप पहली बार मिल रहे हैं, मगर मुझे खेद भी इस बात का कि आप जो हैं आपने मुझसे अभी तक फोन से बात नहीं की। आप कह रहे हो कि भैया पुलिस ने आपको उत्पीड़न कर दिया, आप डीएम साहब के हो, डीएम साहब के हों, अब मीडिया में हो, उधर मुझसे आज तक आपके बीच की कम्युनिकेशन गैप तो होना नहीं चाहिए। और अभी कितनी ही ऐसी चीज़ें वहीं हम सब साथ में उसमें रहें, तो ये तो वही आश्चर्य की बात है कि आपने हमें तो बताया नहीं। और आप अगर अब आप अच्छा है तो एक प्लेटफॉर्म पर आप तो हम सब एक पेज पर रहें, तो मॉनिटरिंग वाली जो है माननीय अवधि वाली जो मॉनिटरिंग चल रही है इसको लेकर थोड़ा हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो अगर उस कारण वजह अगर कहीं आपको लगे 19-20 हो तो आप उससे बात करें, परिवार ही आप सब फटवारी से सपोर्ट करेंगे सर। उसके बिहार पे हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो COVID-19 है इसके लिए हम सब ने मिलकर के हम लोग उसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुहर्रम के साथ यहाँ जो थोड़ी सी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन क्या है थोड़ी सी हुई है, जब भी कहीं कोई सजेरियन साहब से बात होती जाती है थोड़ी सी कम्युनिकेशन क्या हो रही थी ये जो इमाम चौक या दूसरा जीवन से बड़ा लाइफ में कुछ नहीं है। आप सब 40 के ऊपर हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैं 59 का हूँ। मैंने जीवन में बहुत तजुर्बे हासिल किए हैं, अकेले जो मिलना चाहे उससे आपके जीवन के इसी पहलू पर आकर बहस कर जो भी चाहे जीवन के किसी पहलू पे आकर ज्ञान विज्ञान साइकोलॉजी किसी भी हिस्ट्री और किसी भी ह्यूमन तजुर्बे पे आके मुझसे साथ साथ कर सकता है। अगर कोई ऐसा आदमी आएगा तो मैं उसका दिल से स्वागत करूँ, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी और वस्तु सर की वर्किंग आप इसलिए है, मैं तो 1.5 साल से हूँ, सर हमारे साथ 1 साल से है, कभी किसी संप्रदाय के प्रति हम लोग ने मतभेद किया हो तो खड़े होकर हमारे सामने अभी है। दूसरा, मेरी परवरिश लखनऊ में हुई है, हिंदू मुस्लिम एकता का ब्लड मेरी रगों में दौड़ता है। 46 साल से दो मेरी बहनें मुस्लिम संप्रदाय की हैं
अपने धर्म के रूप, ये शायद आपके इतिहास में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। रानी कर्णवती ने हुमायूं से राखी बांधने का अनुरोध किया था। इतिहास का केवल एक एग्जाम्पल है जो हिंदू ने मुस्लिम से अनुरोध किया था कि राखी बांध के मेरी रक्षा करके, यहाँ की हर किताब पढ़ रहा है। अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल मिले, मेरे जीवन में मेरी दो मुस्लिम बहनों ने 46 साल से मुझे राखी बांधी और उनकी राखी का मुझे किस दिन से किस, मैं आपको अपना हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के तो दिखा नहीं सकता। दादा भाई नेहरूजी ने भी कहा है अपनी किताब दी अनब्रिटिश रूलिंग इंडिया, उन्होंने भी कहा है हिंदू मुस्लिम ये दुल्हन की दो आंखें, कौन सी आंख खोलने, हिंदू की खोलने या मुस्लिम की खोलने, फिर दुल्हन की सजावट क्या है। हमारा संविधान ये कहता है धर्म जाति भाषा लिंग किसी भी प्रकार की कानूनन कोई भी डिफरेंस डिफरेंशिएशन संवैधानिक लीगल तौर पर नहीं है। ये संविधान ने अधिकार दे रखा है जो इस देश के निर्माता जिन्होंने भविष्य के लिए सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में क्रिएट करके दिया, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब अपनी कॉपी लिखते थे तो एग्जामिनर लिखता था कि एग्जामी इज बेटर देन एग्जामिनर। इस क्षमता का व्यक्तित्व प्रेसिडेंट था और कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का अध्यक्ष था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो सूरज को दिया दिखा, 5,000 किताबों की लाइब्रेरी क्रिएट कर लेना और एक ऐसे छात्र के द्वारा जो कक्षा से बाहर दलित होने के कारण अपने कानों से सुन के पढ़ता था, उसने हिंदुस्तान का ड्राफ्टिंग की है कॉन्स्टिट्यूशन। गंगा जमुना तहजीब मेरे खून में बहती है, मेरी नजर में सब संप्रदाय बराबर है, लेकिन शासन की देवियों से मैं तथा प्रशासन वो अगर जनता कहीं ना कहीं जाहिर बेवकूफ है तो हमारे प्रशासन भी उस स्तर के लोग संविधान को पढ़ने के बाद ही ये आइडियाज और वो स्टेज तभी आएगा जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जैसा आज हुआ है भविष्य में भी रहेगा। अब क्योंकि आज इस बैठक के बाद हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद ही अपने 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 क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी, आपके माध्यम से वो चीज जाती है उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है और जहाँ पे भी हमें आप दूसरे से वार्तालाप करने की आवश्यकता हो रही है। क्षमा करें कोई बात बुरी लगी हो। नहीं सर, तैयार कर रहा हूँ अपनी अभी चुनाव के लिए, लेकिन अगर मैं किसी से कहूँगा ईमानदार बन जाओ तो वो मेरे कपड़े फाड़ के मुझे जूतों से मारेगा। दूसरी चीज ईमानदारी संस्कारों से मां बाप खैरुल बशर सर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी। आज हम लोगों ने मीटिंग की है इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी और हजरत मुबारक खान शहीद और शिया फेडरेशन की ओर से सब प्रतिनिधिमंडल एक जो है डीएम साहब से मुलाकात किया। डीएम साहब के प्रतिनिधि के तौर पे एडीएम साहब और एसपीसीएटी साहब से हम लोगों की वार्ता हुई है। किसी भी मुतवल्ली को एसपीसीएटी साहब ने वादा किया है कि किसी भी मुतवल्ली को कहीं भी परेशान नहीं किया जाएगा और अगर कहीं कोई मुतवल्ली को किसी अनाधिकृत तौर से परेशान किया जाता है तो उन्होंने कहा कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की सहमति बनी है और हम लोगों की जो मांग
मांग थी कि इमाम चौक की साफ़ सफाई और उसकी लाइटिंग और वहाँ पे 5 लोगों को नौवीं को 1 घंटे के लिए फातिहा पढ़ने की इजाज़त के लिए, तो उस पर स्पेशलिटी साहब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये राय व्यक्त किया है कि साफ़ सफाई हम करवा ले रहे हैं, बाकी जो है 1-2 दिन में DM साहब से वार्ता करके हम इस पर आपको आदेश देंगे। यही हम लोगों के बीच की बैठक हुई है और हम चाहते हैं कि पूरे COVID-19 को फॉलो करते हुए सभी मुतवल्ली हजरात अपने जीवन को ध्यान पर रखें और अपने मुहर्रम के वक्त में इस महामारी से बचें और इमाम हुसैन की याद में दिल से मनाएं। यही हम मुतवल्लियों की ओर से उनको एक मैसेज करना चाहते हैं। एजाज रिजवी, अध्यक्ष शिया फेडरेशन गोरखपुर। ADM सिटी साहब ने ये बताया है कि आप लोग मुहर्रम को मनाइए, घरों के अंदर मनाइए, इमाम चौक के ऊपर ताज़ियावा रखने के लिए मनाई है, जुलूस को मनाही किया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम लोग घर के अंदर अपने जंजीरी मातम कर सकते हैं, मजलिस कर सकते हैं। उन्होंने कहा घर के अंदर करने के लिए कोई मनाही नहीं है, घर के अंदर करिए, सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने माना भी है क्योंकि COVID-19 का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है। उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि शहर में भीड़ बढ़ रही है, उसको भी कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ हम लोग जो दिशा निर्देश है उसी पर अमल करेंगे। ये उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि आप लोग घरों के अंदर कर सकते हैं, ताज़िया रख सकते हैं, बाहर नहीं निकलना है, उस पर हम लोग फॉलो करेंगे उसको, उनके आदेशों पर। किस संबंध में बैठक हुई आज यहाँ पर? सिया समुदाय के लोगों ने, कमेटी के सदस्यों ने, सम्मानित सदस्यों ने अपनी कुछ जिज्ञासाएँ जाहिर की थी, तो शासन के निर्देश उनको अवगत करा दिए गए, अक्षरशा पढ़कर बता दिए गए कि किसी सार्वजनिक प्लेस पर जुलूस और मूर्तियां या ताजिया नहीं मतलब संचालित किए जाएंगे। अपने घरों में रखने में किसी प्रकार का कोई शासन का मतलब किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। सार्वजनिक स्थल पर ना निकलें, क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस है जिसका इलाज अभी तक मिल नहीं पा रहा है, इसलिए ये शासन ने कड़ा स्टेप हिंदू की मूर्तियों के लिए भी, गणेश प्रतिमा हो चाहे दुर्गा प्रतिमा हो और चाहे मुस्लिम समुदाय के आपके ताजिए हों या कोई भी हो, उसको सार्वजनिक स्थल पर लेकर चलने से मना किया है। जुलूस के फॉर्म में नहीं चलेंगे और घर में अपना जो भी आप अलम अलम रखना चाहें, ये शासन के स्पष्ट निर्देश में आपको बताए दे रहा हूँ कि किसी को भी मूर्तियाँ, ताजिया और अलम की स्थापना अपने अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, ये शासन का आदेश है। सर, किस संबंध में बैठक की है? ये ADM साहब तथा मेरे द्वारा, कई लोगों द्वारा मुहर्रम के जुलूस को लेके और ताजिया के स्थापना को लेके जो कन्फ्यूजन था उसे दूर करने के लिए सभी जो भी लोग मिलना चाहते थे उनके साथ मिलकर एक बैठक की गई है और उनको शासन के स्पष्ट निर्देशों से अवगत कराया गया। सर, किन किन निर्देशों का उनको पालन करना है? शासन के जो भी निर्देश मिले हैं कि सार्वजनिक रूप से कहीं पे भी किसी भी मूर्ति अथवा ताजिया की स्थापना न की जाए उससे अवगत कराया गया है, तथा किसी भी जुलूस इत्यादि की अनुमति नहीं है उससे अवगत कराया गया है, तथा साथ में कोरोना के जितने भी गाइडलाइन हैं उनके अनुपालन हेतु भी उन्हें अवगत कराया गया।